हेलो दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट है। यूपी मेडिकल में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में पोस्ट आई हैं, तो आइए देखते हैं क्या। पहले मैं हट जा रहा हूँ, आप देख लीजिए सही से, ठीक है? आपने देख लिया होगा, तो आइए देखते हैं क्या है वो। ठीक, तो यूपीपीएससी मेडिकल ऑफिसर ग्रेड सेकंड, ठीक है, एलोपैथिक का फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म 2022, ठीक है, एलोपैथिक आया हुआ है। जो ऑनलाइन है वो 5 दिसंबर से भरा जा रहा फॉर्म, और लास्ट डेट है 2 जनवरी, ठीक है, 2 जनवरी, ठीक है, 2/1/2023 है, ठीक। अच्छा, जो फीस रखी गई है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 105 रुपये, और SC ST से है तो 65, और PS से है तो 25, ठीक है। और एज रखा गया है मिनिमम 21, मैक्सिमम कितना, 40 साल होना चाहिए, ठीक। ये तो हो गया। अब बात करते हैं पोस्ट नेम की। तो पोस्ट नेम मैं एक साथ बता दे रहा हूँ, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पहले टोटल पोस्टें हैं 2382, ठीक है, नेट इतनी वैकेंसीज हैं। बात कर लेते हैं पोस्ट नेम क्या है। तो मेडिकल ऑफिसर ग्रेड सेकंड, ठीक, गायनकोलॉजिस्ट, ठीक है, एनेथिसिस पेडिस्टियन, ठीक है, रेडियोलॉजिस्ट, फूड पैथोलॉजिस्ट, जनरल सर्जन का है, जनरल फिजिशियन है, ठीक है, और ऑर्थो का है, ऑर्थोलॉजिस्ट, ठीक है, ऑर्थो का है, और ऑर्थो ENT स्पेशलिस्ट होना चाहिए, डर्मेटोलॉजिस्ट का है, फिजियोथेरेपिस्ट का है, माइक्रोबायोलॉजिकलिस्ट, माइक्रोस है ना, माइक्रो बायोलॉजी, ठीक है, अंडर जो आपका वो होना चाहिए, अंडर यूपी मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट से आपका ये सब होना चाहिए, ठीक है। जो टोटल पोस्टें हैं 2382 हैं, और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड का मतलब है जिस भी डिपार्टमेंट से आप भर रहे हो उससे। जैसे जैसे कहने का मतलब यह है कि आप मान लीजिए आपने गायनकोलॉजिस्ट से भरा, तो गायनकोलॉजिस्ट की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। मेडिकल ऑफिसर ग्रेड सेकंड से भर रहे तो उस हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। जनरल सर्जन है तो जनरल सर्जन से, रेडियोलॉजिस्ट है तो रेडियोलॉजिस्ट की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक। तो ये पूरा डिटेल है, बाकी इसके बारे में डिटेल जो और आएगी मैं पूरा आपको बता दूंगा, कि इसके सिलेबस के बारे में बताऊंगा। अगर आप ये एलिजिबिलिटी कंप्लीट कर रहे हैं, और ऑब्वियस सी बात है ये फॉर्म वही भरेगा जिसका पूरा कोई भी मतलब उस चीज़ को मैच कर रहा होगा, ठीक है। अदर कोई नॉन टेक्निकल वाला नहीं भरेगा, ठीक। तो आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। तो अगर आप ये एलिजिबिलिटी मतलब अपडेट था मैंने बता दिया, अगर आप ये चीज़ें पूरी करते हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।